Chavapa. Hey, what is up guys? तो क्या कर रहे थे यार आप लोग इतने दिनों से यार, तो यार वीडियो नहीं आ पाई उसके लिए माफ कर देना। अभी अब से रेगुलर अपलोड होगी क्योंकि यार तीन चार दिन थोड़ा बिजी था उसके कारण अपलोड नहीं आ पाई, बट अब से बिल्कुल रेगुलर अपलोड होगी। और बात करें इसके प्ले की, हम लोग चलते हैं जॉर्ज पुल की तरफ। एंड जानते हो ये सोलो मैच है यार, तो इसके अंदर किल्स देखते हैं। 72 मैंने मार दिए और फिर देखो यार एक और बंदा इधर गन लेके मिलता है तो उसको भी मैं जल्दी से निपटा देता हूँ। उसके बाद जो मैं सामने गोडाउन की तरफ रश करता क्योंकि मुझे वहां से भी जो स्टेप आ रहे थे यार। अब यार मुझे लगा था स्टार्ट में कि वो तीन गोली में मर जाएगा, बट उसको सिर्फ दो गोलियां कनेक्ट होती है एंड वो बच जाता है जैसे तैसे। बट उसके बाद मैं इस तरफ आता तो एक और बंदा स्पॉट होता है यार, एंड इस बंदे को भी निपटाते ही जो फूल खाली हो गया ऐसा मुझे लग रहा था। एंड इससे मुझे बहुत अच्छी लूट मिलती है, एक फ्लेयर गन मिल जाती है एंड मैं अपनी फ्लेयर चला भी देता हूँ यार, क्योंकि फ्लेयर गन मिली अब तो लूटेंगे तो ज़रूर जॉर्ज पुल आए यार। तो एंड मैं अपनी फ्लेयर को देख ही रहा था तभी मुझे साइड वाले गोडाउन से पुश स्टेप आते हैं यार। अब साउंड आया तो यार पक्का बंदा होगा, इतना तो मैं जानता था। अब मुझे नहीं पता वो सिटी से आया कहीं कैंप कर रहा था, पता नहीं उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा था, बट मैं जो उसको थोड़ा फ्री फायर करता हूँ यार। मैं चाहता था कि वो थोड़ा अंदर की तरफ घुसे और फिर मैं रश कर पाऊँ, इसीलिए जो मैंने उधर फ्री फायर किया एंड उसका मुझे फ़ायदा भी हुआ, वो अंदर घुस गया बट तभी पीछे बोट आ गया यार। अब बोट को निपटाने के बाद मैं उस पर रश करने के लिए बिल्कुल रेडी था क्योंकि वो पीछे हट चुका था, मुझे आवाज़ आई थी यार। तो अब यार वो बंदा मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा था पर इन द एंड मर ही जाता यार। अब यार सीधी बात पैशन की थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा हिल रहा था एंड बस मुझे उसके एक गलती का इंतजार था एंड वो आ भी जाता बाहर, तभी मुझे फ्लेयर से यार बहुत ही ज्यादा अच्छी लूट मिल जाती। ग्रोजा वाला से MK14 पता ही जहर कॉम्बो मिल जाता है यार। एंड उसके बाद जो मैं जॉर्ज पुल से निकल लेता हूँ क्योंकि जॉर्ज पुल में इसके अलावा और कोई बचा नहीं था एंड 7 किल हो गए थे तो यार मैं खुश भी था। एंड इसके बाद मुझे सामने के घर पे एक बंदा स्पॉट होता है तो उस पर मैं थोड़ा बहुत डैमेज करने के बाद डायरेक्ट रश मारता हूँ क्योंकि यार उसे एक आध शॉट लगा था MK का। अब यार तुम लोग डीपी वाले के सामने ग्रोजा लेके आओगे तो यही होने आए तुम्हारे। तो तभी यार मैं एक फ्लेयर का पीछा कर रहा था तभी ये बंदा स्पॉट होता है, तो उसके बाद मेरा जो है फ्लेयर को खत्म करने का, फ्लेयर वाले बंदे को मारने का भी परम कर्तव्य, परम धर्म, परम जो भी होता है बनता है यार। अब पहले तो मैं उसे स्पॉट करने की कोशिश करता फिर वो खुद स्पॉट होता है यार। अब यार अगर मैं रश नहीं करता तो वो पक्का मुझे मार देता क्योंकि यार देखो हेल्थ तो थी मेरे पे, मेरे को कोई टेंशन नहीं थी, सिरिंज लगा रखा था मैंने, इसलिए मैं डायरेक्ट रश करता हूँ। एंड ये गाड़ी पहले नहीं थी आज जब मैं आया तो मुझे अजीब लगा एंड उसमें रियली बंदा था। एंड यार ये बंदा भी मारा जाता है तो यार सोलो में एक चीज़ याद रखना, आपको गाड़ी मिल दिखती है यानी कि पक्का बंदा होगा यार इधर। एंड तभी मैं जो रोजो की हिल पे आता हूँ तो मुझे जो सामने की तरफ टॉप घर पे यार मुझे जो एक कार स्पॉट होती है। एंड अगर सोलो में तुम्हें किसी घर के आसपास कार दिख जाए पक्का वहाँ बंदा कैंप कर रहा है, ये बात मैं लिख के ले देता हूँ यार तुम लोगों को, क्योंकि सोलो की एक खासियत है बंदे कार लेकर घूमा करते हैं क्योंकि यार बिना कार के सोलो में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है याद रखना। तो इसलिए वो बंदा कैंप कर रहा होगा इतना तो मुझे पता था, इसलिए मैं उस पर डायरेक्ट रश मारता हूँ यार क्योंकि अपने पे ग्रोजा और MK अपने को कोई टेंशन नहीं यार, स्किल्स पे बहुत भरोसा अपने को अपने। अब यार मैं उस पर नेड या मॉली करना चाहता था क्योंकि वो सीढ़ियों के पास बैठ गया था एंड उसकी आवाज़ मुझे आ गई थी यार, वो सीढ़ियों के पास रुक गया है। अब भले ही सीढ़ियों के पास मेरा मॉली नहीं गया हो बट मैंने जो नेड को किया इन क्या ओपी नेड था यार ये।
एंड यार मुझे पक्का पता था ये इधर ही बैठा होगा, क्योंकि यार जिस तरह से पुष्टे पाए थे यार मैं इतना अंदाजा लगा सकता था, एंड मैंने उसे मार दिया। बट तभी जो मैं जहाँ पर रोजो की हिल पर रुका था वहाँ एक और कार आ जाती यार, तो उस पर भी मैं रश कर देता हूँ। अब यार ये बंदा खुद ही मेरे क्लोज आ गया था, क्योंकि पता नहीं उसने मेरी कार देख ली, बट वो मेरे क्लोज आ गया था एंड इसलिए उसको मारना भी इजी था मेरे लिए। उसके बाद जो मैं इधर आता हूँ तो एक कार कब से मुझे परेशान कर रही थी, ट्रोल कर रही थी पता नहीं क्यों, तो वो वापस आती है यार मुड़ के, तो देखो उसे कैसे निपटाते यार। अब यार जब MK14 और ग्रोजा हो आपके साथ तो डरने की क्या बात यार, लिटरली बंदे की क्या बताऊँ, फाड़ के चार कर दी मैंने। तभी जो इस घास में मुझे सांपों की प्रजाति स्पोर्ट होती है, अब देखो उसको स्पोर्ट तो कर लिया था मैंने, इधर की तब दिख गया तो मैं जो उस पर कार मुड़ा के ले जाता हूँ, बट उसने मुझे अपनी एयूकेटी दिखा दी एंड उसने ओका स्प्रे देकर मुझे बता दिया मैं नूब नहीं हूँ। तो बस उसके बाद क्या हुआ, मुझे रोक के उसे मारना पड़ा। अब देखो यार बंदा जो भी हो तगड़ा ऑक का स्प्रे मार रहा था, इसलिए मुझे बहुत डैमेज भी हुआ, बट फिर भी मैंने स्मोक करके उसको हील करना और फिर लूटना समझा, सही समझा। एंड उसके बाद मैं निकल लेता हूँ इधर से, और कुछ नहीं यार। अब ये मेरा हील करने के दिखाने का पीछे एक ही कर्तव्य है कि मेरा उस टाइम बढ़े। एंड उसके बाद जो सामने की तरफ बंदे लड़ाते हैं यार, एंड थर्ड पार्टी करता हूँ मैं उनके बीच में, क्योंकि दो बंदों की अभी अभी लड़ाई हुई थी, तो जो मैं उन पर डायरेक्ट थर्ड पार्टी करता हूँ जिससे वो लोग फायर करते हैं। और वैसे ही बंदा एक गोली का था, ग्रोजा की एक हिट खाते ही मर गया यार, एंड वो बहुत ही ज़्यादा लो था तो ईजी किल था मेरे लिए। उसके बाद चलते लास्ट बंदे की तरफ, क्योंकि एक लास्ट बंदा बचा है वो सामने की तरफ पेड़ पे है, जिसे मैं कार से पहले स्पॉट कर चुका हूँ यार, मैं कार दे गया था उसके पास। तो एंड इस तरह मैंने उसे 2-3-4 बार डैमेज दिया, क्योंकि यार एंड उससे पता था मुझे कि उसकी वेस्ट खत्म हो गई होगी, तो मैं क्या करता हूँ स्मोक करके जोन में निकल लेता हूँ एंड उस पर थोड़ा अलग एंगल, थोड़ा चीकी एंगल बनाता हूँ यार। अब देखो यार इसको मारने के साथ एक ईजी चिकन डिनर। जिसको भी ये गेम प्ले अच्छा लगा हो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक फॉर वॉचिंग, मिलूंगा आपसे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और सभी को शेयर करना अपने भाई बहन गर्लफ्रेंड बॉय सभी को।